अरे भाई ये क्या है, यहाँ पे कौन कर रहा है? अरे ये बॉट, क्या मैं क्लासिक खेल रहा हूँ या फिर रैंक खेल रहा हूँ? रुको मैं छोटा वाला मैप ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं जैसे छोटा वाला मैप ओपन करता हूँ तो यहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ है बीआर रैंक्ड बरमुडा एंड ये ग्रैंड मास्टर का लोगो भी है। सो हे गाइस, बेटू आर्मी हियर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि गाइस बढ़िया होंगे एंड गाइस बढ़िया ही रहना। तो गाइस जो फाइनली मैं चल रहा हूँ ग्रैंड मास्टर पे एंड 4 दिन के बाद बीआर का न्यू रैंक्ड सीजन 36 भी आने वाला है। सो गाइस आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को न्यू रैंक्ड सीजन का बेसब्री से इंतजार होगा क्योंकि आप अभी को भी तो रैंक मास्टर पुश करना है ना। गाइस अगर आप लोग ग्रैंड मास्टर पुश करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है एंड कौन सा एंटी ब्लैंड ग्लिच, वो आपको स्टार्टिंग के इस वीडियो के 10 सेकंड में दिख गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ आज आपको। फाइनली गाइस आप लोग अब कमर की पेटी बांध लो क्योंकि फाइनली मैं ऐसा एंटी ब्लैंड ग्लिच लेकर के आया हूं ना जिसमें गाइस आपके गेम के अंदर नूब नहीं बॉट बन जाएंगे बॉट। आज के इस वीडियो में मैं आपको 100% प्रूफ भी देने वाला हूं एंड गाइस जब तक ये नया अपडेट नहीं आता है ना ओबी वाला, तब तक 100% श्योर है कि ये ग्लिच वर्क करेगा। चलो गाइस बिना लेट किए इसी ग्रैंड मास्टर वाली आईडी से उस ग्लिच को एक्टिवेट करने के बाद एक बीआर रैंक में मैच स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस आप लोग देख लो कि मेरा अगर सीजन 2 सीजन 3 मेरे पास है तो आपको भी पता होना चाहिए कि मैं इतनी जल्दी रिस्क तो नहीं लूंगा। तो गाइस आप लोग देख लो, फाइनली आप लोगों के सामने मैं अपने ग्लिच को एक्टिव करने के बाद गेम को स्टार्ट कर देता हूं इसी ग्रैंड मास्टर वाली आईडी से। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है हम लोग लॉबी में आ जाते हैं एंड मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस आप लोग कोई सा भी कैरेक्टर लो, कुछ भी लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके गेम के अंदर सारे के सारे बॉट ही आने वाले। आपके लॉबी में टोटल 50 बंदे आते हैं तो 50 में से 20 बंदे वैसे होंगे जिस बंदों का लेवल 30 के आसपास होगा, जो रियल बंदा होगा, एंड बाकी के जो 20-22 ऐसे बंदे होंगे जो गेम के अंदर पूरे के पूरे बॉट होंगे। अब ये तो आपको भी पता है कि अगर गेम के अंदर सारे बॉट हो तो स्टार्टिंग में ही लैंड कर जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी लैंड करो कोई भी बंदा आपको मार नहीं सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं यहां पे लैंड करता हूं तो स्कैनर में मेरे को एक ऊपर की साइड में एक बंदा दिख जाता है। तो सबसे पहले गाइस क्या करता हूं, मैं इस घर को लूटता हूं क्योंकि गाइस जैसे गन मिलेगी तब तो मारूंगा ना मैं बॉट। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस जब भी मैं बॉट्स को मारूंगा ना एंड अगर आपके अंदर ऐसा डाउट हो कि नहीं यार बिट्टू भाई ये तो रियल बंदा है तो डोंट वरी गाइस, उन सारे बंदों का नेम भी पढ़ना जिस बंदे को मैं मारूंगा या फिर अभी जो भी बंदे मर रहे हैं ना उनका भी नेम पढ़ते चले जाओ कैसे बंदे मर रहे हैं। हाँ यार नया सीजन तो 1 तारीख को आ रहा है ना, तो उससे 3-4 दिन पहले एंड उसके 3-4 दिन बाद तक इस चैनल पे कंटिन्यूअस ग्लिच अपलोडिंग होते रहेगा। तो गाइस आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो को देख रहे हो एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक कर देना एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी डेली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। गाइस अभी अभी मैंने एक बंदे को किल किया एंड अगर आपने उस बंदे का नाम नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और नाम पढ़ लो, बंदे का नाम था क्लार्की, मतलब समझ रहे हो ना गाइस कुछ वैसा नाम जो कि गेम की स्टार्टिंग में जब आप गेम स्टार्ट करते हो तो होता है। फिर गाइस अगर आप लोग बोल दो तो बॉट्स के नाम कुछ वैसा ही होते हैं अगर आप लोगों में से कोई पुराना बंदा ये वीडियो देख रहा होगा। अब इतने में क्या होता है गाइस कि यहां पे मेरे को एक बंदा दिख जाता है बट एक्चुअल में अब ये जो बंदा होता है वो बॉट नहीं होता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि 50% बंदे बॉट आएंगे एंड 50% बंदे वैसे होंगे जो थोड़ा बहुत नूब होंगे। गाइस इतना तो आपको पता है कि मुझे गेम खेलना आता नहीं है तो मैंने अपने दिमाग का यूज किया, अपने लैंडमाइन को वहां पे डाल दिया, बंदा आया लैंडमाइन से डैमेज हो गया, भाई इसको मैं डैमेज दे रहा हूं बंदा मर ही नहीं रहा यार भाई, मतलब ये पोकर MP40 क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। गाइस किसी भी तरीके से फाइनली मैं इस बंदे को मार देता हूं और आप इस बंदे का भी नाम पढ़ोगे तो कुछ वैसे ही बॉट जैसा नाम था बट एक्चुअल में गाइस ये नूब था बॉट नहीं। एंड फाइनली गाइस इसके बाद अब मैं ब्लू जोन से निकलने के बाद चुपचाप क्लॉक टावर की तरफ जाता हूं क्योंकि गाइस ऑब्वियसली बात है कि नूब बंदे या बॉट बंदे आपके गेम के अंदर आप खुद ही देखो ना गाइस कि 25 बंदे केवल बचे हुए हैं एंड सारे के सारे गेम में बॉट ही आए हैं यार। तो गाइस लिटरली बता रहा हूं ना अगर आपको नए सीजन में पहले दिन ही 7 से 8 घंटे के अंदर ग्रैंड मास्टर करना है तो गाइस उसमें ये एक एंटी बैन वाला जो ग्लिच है ना वो 100% वर्क करने वाला है, मैं सच बता रहा हूं यार, मतलब कोई भी करे ना करे ये तो 100% वर्क करेगा। अभी देखो गाइस इतने में क्या होता है कि एक बंदा मुझे दिख जाता, अब देखो मैं इस बंदे को कंटिन्यूअस डैमेज दिए जा रहा हूं, इस बंदे का भी नाम देखो क्या है, हम किम DAPA पता नहीं भाई, मतलब लिटरली यार कैसे बंदे आ रहे हैं आप गेम के अंदर आप खुद ही देख लो। तो गाइस ये वाला जो एंटी बैन ग्लिच है ना वो आपको पहले दिन 80% हेल्प करने वाला है जिससे कि आपकी आईडी भी बैन नहीं होगी, गेम के अंदर सारे के सारे बॉट्स आएंगे बट सोलो में रैंक पुश करने में गाइस लिटरली एक ही प्रॉब्लम है। गाइस वो प्रॉब्लम मैं आपको शेयर करूंगा जैसे ये गेम बुया होता है उसके बाद क्योंकि गाइस उसके बाद ही वो प्रॉब्लम आपके सामने दिखने वाला है। क्या होता है गाइस कि मैं जैसे ही बाहर जाता तो मुझे कुछ फुटस्टेप आता है, अरे लिटरली यार देखो यहां पे कौन सा खड़ा है कुछ, फिर मुझे तो डाउट हो गया कि मैं क्लासिक खेल रहा हूं या रैंक खेल रहा हूं। अब आप लोग खुद ही देखो ये बंदा अगर गोली भी चला रहा तो पूरा बॉट की तरह चला रहा है, फिर मैं छोटा वाला मैप ओपन करता हूं तो सच में ये तो रैंक मैच ही होता है, फिर क्या करता हूं गाइस मेरे को कोई और नूब बंदा मारने की कोशिश करता
होता फिर मैं इसको किल करने की जाता हूँ यार, लिटरली ये बंदा किल चोरी कर लेता है। गाइज एक्चुअल में दूसरा वाला बंदा भी तो नूबी होता है ना, तो उसे भी तो हमें मारना ही है ना। तो गाइज इतने में क्या होता है कि वो बंदा उधर से बाहर से ऊपर आने की कोशिश करता, फिर मैं उसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, बट लिटरली यार वो तो ग्लू वॉल डाल ही नहीं रहता। फिर क्या भाई, अरे लोल इसके तो नेटवर्क ही चले गया। फिर मैं क्या करता हूँ, इस बंदे को अच्छे से डैमेज देता हूँ, बंदा ये डाउन हो जाता है। फिर गाइज जब तक मैं इस बंदे के पास पहुंचू, ये बंदा अपने आप को रिवाइव कर लेता है क्योंकि ये पूरा का पूरा नूब होता। फिर मैं इसको दोबारा से डाउन करता हूँ। आप लोग देखो गाइज कि मैं कैसे इसको डाउन कर रहा हूँ, लिटरली यार ये बंदा फिर से रिवाइव होगा। इसका मैं अब मारूंगा तो बंदा मर ही जाएगा। गाइज आप खुद ही देख लो कि ये बंदा तो नूब है बट नाम अपना है कर रखा है, क्योंकि पता है इनको कोई मार तो सकता नहीं है। लिटरली यार ये भी किसी को तो नहीं मार पाएंगे। फाइनली गाइज अब आप लोग देख लो कि इतने बॉट लॉबी एंड इतनी नूब लॉबी आ चुकी है, गेम के केवल सिर्फ 10 बंदे बचे हैं। बट पॉइंट ये है कि आखिर में आपको इस ग्लिच को एक्टिव करना कैसे है। बट गाइज जैसे ही मैं आपको ग्लिच बताने वाला होता हूँ, इतने में ये एक बंदा जो होता है वो इधर से आने की कोशिश करता है। इसका अब मैं इस बंदे को डैमेज दे रहा हूँ तो देखो बंदा छुप किधर रहा, मतलब मेरे सामने आके बंदा छुप रहा, और मैं भी कितना नूब की मैं एक गोली भी हेड नहीं मार पा रहा। इतने में क्या होता है गाइज कि ये बंदा छुप जाता है। अब मैं ऊपर से जाने की कोशिश करता हूँ बट ऊपर से जोन श्रिंक करने लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसके ऊपर रश करने जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि बंदा नूब होगा, अगर नूब बंदे भी हेडशॉट मारेंगे तो गलती से तो हेड ही लगेगा। देन फिर गाइज मैं उस बंदे को ढूंढने की कोशिश करता हूँ बट लिटरली यार वो बंदा मुझे मिलता नहीं है भाई, मतलब कहाँ चला गया, कैसे छुप गया। तो फाइनली गाइज मेरा पोजीशन हो जाता है टॉप 5। बट गाइज किल तो अभी तक मैंने सिर्फ 4 ही किए क्योंकि मुझे तो बंदे ही नहीं मिल रहे होते हैं। बट गाइज मैं जो बोल रहा था ना कि सोलो में रैंक पुश करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 4-5 किल के साथ भी गेम को बुया करते हैं तो आपको मुश्किल से मैक्सिमम 22 का ही प्लस मिलेगा। बट गाइज स्क्वाड में क्या होता है कि 40 का प्लस मिलता है, मतलब समझ रहे हो ना गाइज, सीधा डबल। बट मजबूरी है यार आपके पास, अगर आपके पास अच्छी स्क्वाड नहीं है तो आप पुश कैसे करोगे, और अगर सोलो में पुश करोगे तो माइनस तो अच्छी खासी। इसीलिए गाइज सोलो में भी फेयर पुश करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है ना, जब आपके पास एंटी बैन ग्लिच ऑलरेडी एक्टिव है, क्योंकि माइनस होगा तब तो फिर उतना ही माइनस लगेगा जितना स्क्वाड में बंदों का लगता है, तो आप माइनस करवाना क्यों चाहोगे। तो गाइज आप यूज ग्लिच को इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको प्लस करना, आप अपने आप को गेम को फेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको प्लस कम मिल रहा है तो उसके बदले टाइम ज्यादा जा रहा है, और टाइम ज्यादा जा रहा है तो आप माइनस नहीं करना चाहोगे, माइनस नहीं करना चाहोगे तो फिर ग्लिच एक्टिव करना पड़ेगा। गाइज टू ऑल ऑफ यू आई हैव वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि मुझे 4 ऐसे ग्लिच पता चले हैं, लाइक ये था बॉट लॉबी ग्लिच, इसके बाद है जोन ग्लिच, एंड इसके बाद है बाइक ग्लिच, एंड उसके बाद है हेल्थ ग्लिच। एंड गाइज एक तो है ट्रिपल प्लस ग्लिच, उस तो मैंने हैंडकैम के साथ वीडियो को रेडी किया, तो वो हैंडकैम भी आपके साथ इस चैनल पे आने वाला। तो ये 3-4-5 वीडियो आने वाला जो कंटेंट है वो मैंने आपको बता दिया, लिटरली यार सारे में 100% प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। गाइज अभी क्या है ना कि सीजन चेंज होने में 4 दिन बचे हुए हैं, एंड इतने में मेरे को एक फुटस्टेप आता है यार कि एक्चुअल में ये बंदा है कहां पे, क्योंकि गेम में केवल 3 बंदे बचे हुए हैं, तब ये बंदा नूब है या बॉट है मुझे पता कैसे। बट मुझे यार कहीं ना कहीं से थोड़ा सा तो ये बंदा मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये बंदा मेरे को डैमेज दे रहा था बट इनको ये नहीं पता कि ये बंदा जोन के बाहर है। भाई बंदा कंटिन्यूअस मुझे डैमेज दिए जा रहा है यार, लिटरली मतलब कुछ भी कहो यार। बट गाइज मुझे तो रिस्क लेना नहीं था क्योंकि मैं जोन के बाहर क्यों खड़ा हूं यार, जब मेरे पास ऑलरेडी अच्छी खासी हेल्थ है और मैं जोन के करीब हूं, तो मैं यहां पे रुकने के बाद बंदे का वेट करने लग गया। गाइज इतने में क्या होता ना कि ये बंदा उधर से आने की कोशिश करता, फिर मैं यहां पे थोड़ा सा वेट करता हूं, इतने में मेरे को ये बंदे का फुटस्टेप आने लगता, फिर मैं इधर साइड से आता हूं, यहां पे चुपचाप मैं इसका वेट करने लगता हूं। फाइनली गाइस बंदा आता है, बंदे को डैमेज देता हूं, बंदा डाउन हो जाता है। इसके बाद इस बंदे का भी नाम देखो तो स्टडी करके था, बट पता नहीं बंदा पढ़ने के टाइम पे क्या खेल रहा है। अब गाइस फाइनली बचता है लास्ट वाला बंदा। लास्ट वाले बंदा भाई देखो कितना कूद के आ रहा है, एंड इस बंदे का मैं भाई इतना लिटरली हंसी आ रहा था ना, क्योंकि ये बंदे को खेलना तो आता नहीं है बट ग्लू वॉल लगाना परफेक्ट है। देखो गाइस आप लोग, मैं एक ग्लू वॉल भी इसके बाद नहीं लगाऊंगा, एंड ये बंदा कितना खतरनाक ग्लू वॉल लगाता है, मतलब ये बंदा खेलने से ज्यादा ग्लू वॉल की प्रैक्टिस करता है जहां तक मुझे लगता है। देखो यार मैं जैसे यहां पे वेट कर रहा हूं, ये बंदा क्या कर रहा है, चुपचाप बाहर निकल रहा है, जैसे मैं मारू उससे पहले वॉल डाल दे रहा है, मतलब कुछ भी यार। अब देखो ये बंदा वॉल डाल कैसे जगह दिया जहां इसको खुद ही नहीं पता कि मैंने वॉल डाला। फाइनली देख लो गाइस अब क्या होता है कि ये बंदा अपने आपको बचाने का कितना भी कोशिश करेगा, फाइनली मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूं। इस बंदे का भी नाम होता है मोरे 500, पता नहीं क्या। अब आप लोग देखो गाइस तो मुझे प्लस कितना मिलता है, तो एक्चुअली गाइस मुझे मिलता है प्लस 22 का। एंड अगर आपको ये ग्लिच वाली वीडियो चाहिए तो यार आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा टारगेट रखा है, लाइक टारगेट, जो कि है 500। इस वीडियो पे गाइज 500 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दो, एंड अगर लाइक 500 हो चुके तो जाके वीडियो वाले सेक्शन में चले जाओ, आपको ये वीडियो दिख जाएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।